सो फाइनली वो ब्लेडर और कोई नहीं, वो है काय। बट गाइस वो काय नहीं जिसको आप जानते हो, ये वो काय है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और आगे आपको बताता हूँ ये कौन सा काय है और वो काय नहीं है जिसको आप सोच रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन है, और जब लोगों ने देखा कि वो काय है तो लोगों के दिमाग में काय वो वाला नहीं आया, क्योंकि वो काय से पूरा ही डिफरेंट था। उसकी शक्ल भले ही काय से मैच करती थी, बट उसका लुक, एटीट्यूड, उसकी स्टाइल, उसकी मतलब कह सकते हो कोई भी चीज़ काय से मैच नहीं कर रही थी, भले उसकी केवल शक्ल मैच कर रही थी काय से। तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने से पहले अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। मैं हर वीडियो में कहता हूँ यार कुछ भी फेंक के मारो, बड़े आप लोग सुनते नहीं हो, तो आज मैं खुद कह रहा हूँ यार जो अंगूठा है ना उसे दबा दो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यार वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सा काय है। तो वहाँ पर जितने भी ब्लेडर रहते हैं एक्स वाई जेड, तो सब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ल काय से मैच क्यों करती है। और वहाँ पे अगर हम बात करें काय उस समय वहाँ पे नहीं रहता, जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रुकलिन काय और टाइसन वहाँ पे नहीं थे। तो वहाँ पे रयुगा बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ल उस काय से क्यों मैच करती है। तो वहाँ पे बोरिस और डोजी जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तो वहाँ पे रयुगा कहता है अपनी बकवास बंद करो और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, नहीं तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पे बोरिस कहता है हाँ, अब इतना आगे जब हम लोग आ ही गए तो अब मैं बताता हूँ कि ये कौन है। तो जैसे कि तुम जानते हो कि जब लास्ट टाइम मैंने काय को ब्लैक ड्रॉन्सर दिया था तो वो उसको कंट्रोल करा था, बट उसने बाद में हम लोग को धोखा दिया और उसके बाद वो फिर से टाइसन यानी कि तुम्हारी ब्लेड ब्रेकर्स में ज्वाइन हो गया था। और उसके बाद से मैंने और काय के दादाजी ने ये ठान लिया था कि काय को वापस नहीं चुनना इस ब्लैक ट्रांसर के लिए, और हम लोगों को कोई ऐसा ब्लेडर चाहिए था जो इस ब्लेड को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई डोजी से और डोजी ने मुझे बताया कि तुम रयुगा यानी कि तुम जो एल ड्रैको को कंट्रोल करता है, तुमने बहुत सारी डार्क पावर को कंट्रोल करा था, ये मेरे को डोजी ने बताया। और डोजी और तुम डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे दिन काम करे थे और डोजी ने मुझे एक एक चीज़ तुम्हारे बारे में बताई, तुम कैसे एटीट्यूड में थे, तुम्हारे अंदर कितनी पावर, और भी बहुत कुछ तुम्हारे बारे में डोजी ने बताया। उसका बोरिस कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए ब्लैक ट्रांसर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और अगर कोई बंदा इसको कंट्रोल करता तो वो मर जाता। वो अलग बात है कि काय ने अपने आप को वापस निकाल लिया था। सो हम लोगों ने एक प्लान बनाया और हम लोग का ये प्लान था एक ऐसे आर्टिफिशियल ब्लेडर को रेडी करना और उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हों और उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने डाली, या फिर कह सकते हो जो मेरे को रयुगा की पावर एंड एबिलिटीज़ मेरे को पता चली। हम लोगों ने एक प्लान बनाया यानी कि डोजी और मैंने। इस प्लान में बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल हम लोग का हुआ ही आखिरकार। हम लोगों ने रयुगा की पावर और उसके एबिलिटीज़ को कॉपी करा और उसी की तरह एक कह सकते हो कि बेब्लेड को डिज़ाइन करा, या फिर कह सकते हो बेब्लेड को कंट्रोल करने वाले बेब्लेडर को डिज़ाइन करा। और काय भी एक ऐसा ब्लेडर था जो ब्लैक ट्रांसर को एक बार यूज़ करा था, तो उसका भी सैंपल डीएनए मेरे पास था। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को एक ब्लेडर को रेडी करना था, क्योंकि रयुगा एक ऐसा ब्लेडर था जो डार्क पावर को कंट्रोल कर सकता था और काय भी एक ऐसा ब्लेडर था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसने एक बार ट्राई करा था ब्लैक ट्रांसर को कंट्रोल करने के लिए। तो कह सकते हो कि दोनों ही ब्लेडर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हीं के कह सकते हो डिज़ाइन और एनर्जी पावर लेवल के बेसिस पे हम लोगों ने उन दोनों ही एबिलिटीज़ को कंबाइन करके एक ऐसा आर्टिफिशियल बेब्लेड या फिर एक ऐसा आर्टिफिशियल बेब्लेडर को रेडी करा जो ब्लैक ट्रांसर को कंट्रोल करने की पावर रखे। और उसके बाद डोजी वहाँ पे कहता है कि हमारा ब्लैक ट्रांसर या फिर कह सकते हो कि 16th ब्लेडर या फिर आप उसको अदर वर्ड में कह सकते हो डार्क काय। तो बेसिकली वो कहता है ये जो डार्क काय है ये एक ऐसा बेब्लेडर है
जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और तुम सबको ख़त्म कर सकता है। हम दोनों का मकसद एक था, दुनिया की तबाही, और दुनिया पे हम दोनों ही राज करना चाहते थे। तो हम लोगों का दिमाग हम लोगों ने लगाया और एक ऐसा ब्लेडर अब हम लोगों के पास है जो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। और टाइसन और तुम लोग जितने भी हो, तुम लोग हम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। तो वहाँ पर रहेगा कहता है, बस तुम्हारी बकवास ख़त्म। और अगर तुम्हारी बकवास ख़त्म हो गई है तब तुम आओ यहाँ पे लड़ो, मेरे को फालतू तुम्हारी बकवास सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ पे जो कैनी रहती है बहुत ज़्यादा घबरा जाती है जब उसको ये सब चीज़ें पता चलती है, और स्पेशली जो हीरो भी रहता है वहाँ पे थोड़ा सा परेशान होता है। उसके बाद गाय सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है काय को, यानी कि ओरिजिनल सीरीज काय टाइसन का दोस्त। तो अगर हम बात करें काय के बारे में, तो काय जो रहता है एक बड़े से कंपार्टमेंट में, कॉर्नर या फिर कह सकते हो कोने में बैठा रहता है। तो बेसिकली वो अपने ड्रॉन्जर को निकालता है और अपने ड्रॉन्जर से कहता है कि अब टाइम आ गया है इस जंग को ख़त्म करने का। और ड्रॉन्जर से कहता है, ड्रॉन्जर तुम मेरा साथ दोगे ना इस जंग को जीतने में, हम लोग को अपनी पूरी ताकत लगानी है। तो वहाँ पर जो ड्रॉन्जर रहता है वो भी बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि काय का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आगे हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गैस फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है टाइसन को। तो जो टाइसन रहता है वो अपने ड्रैगन के साथ रहता है, बेसिकली वो अपने घर पर रहता है कह सकते हो, जो उसके दादाजी का घर है बेसिकली। तो वहाँ पे वो लोग बैठे रहते हैं और वो टाइसन सोचता है कि अब उसको क्या करना है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि पहले तो इसलिए परेशान था कैनी नहीं मिल रही थी, बट अब कैनी तो मिल गई है। तो ड्रैगन से अपने यही कहता है कि ड्रैगन मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल ही गया था जब से कैनी खोई थी, और मैं ये चीज़ भूल गया था कि तुम मेरे साथ हो, और जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता और कोई भी ताकत मुझे छू नहीं सकती। ये चीज़ मैं भूल गया था क्योंकि कैनी गायब हो चुकी थी, लेकिन जब कैनी नहीं थी तब मुझे सच में कैनी के बारे में तो बहुत बुरा लगा, लेकिन अब जब कैनी मिल गई तब मुझे ये समझ में आया कि तुम कितना इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। ये चीज़ मुझे आज पता चली है। सो गाइस, उसका हम लोग को दिखाया जाता है ब्रुकलिन को। तो जो ब्रुकलिन रहता है वो किसी कह सकते हो कि यार एक जंगल टाइप में जगह रहता है, मतलब अकेले रहता है बेसिकली। तो जो ब्रुकलिन रहता है वो अपने ज्यूस से कहता है कि ज्यूस मुझे तुम रास्ता दिखाओ, क्योंकि यार जैसे कि आप जानते हो ब्रुकलिन का इस स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि एक तरह से इस्तेमाल भी हुआ है। ब्रुकलिन ने दूसरे का भी इस्तेमाल करा, ब्रुकलिन के साथ उतना अच्छा भी नहीं हुआ। तो वही ब्रुकलिन थोड़ा बहुत डीमोटिवेट होता है और वो सोचता है कि उसको आगे क्या करना है, क्या वो टाइसन की हेल्प करे या फिर वो इस सब मैटर में ना पड़े। तो वहाँ पे जो ब्रुकलिन रहता है कहता है कि ज्यूस अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और आगे चल के मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरे को टाइसन का साथ देके इस जंग में शामिल होना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए कहीं और। सो गाइज, वहाँ पे जो ज्यूस रहता है अपने ब्लेड से बाहर नहीं आता, यानी कि ब्रुकलिन से बात नहीं करता। उसका ब्रुकलिन थोड़ा सा कहता है कि यार ज्यूस तुम ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे बात ना करो। तो वहाँ पे ज्यूस बाहर आता है और वो इतना बस ब्रुकलिन से कहता है कि ब्रुकलिन जो भी चीज़ तुम करोगे वो तुम खुद से डिसाइड करोगे, और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी काम तुम करोगे उसमें मैं पूरा साथ दूंगा, और तुम ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है, तुम एक ऐसा ब्लेडर हो जो चाहे तो पूरी दुनिया को भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन वही बात नहीं यार, जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और वही चीज़ है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करके फाइट लड़ोगे हम दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि हम लोग को कोई भी नहीं हरा सकता। तो वहाँ पे ब्रुकलिन जो रहता है हंसने लगता है और उसकी मतलब कह सकते हो अजीब ही टाइप की हंसी हम लोग को देखने को मिलती है। अब पता नहीं ब्रुकलिन आगे क्या करने का सोचा है। सो गाइस, उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो जिंगा रहता है। जी हाँ गाइस, जिंगा। तो जिंगा जो रहता है बेसिकली जैसे कि आप जानते हो 16 बिल्डर जहाँ पे ये सब चीज़ें बताता है वहाँ पे वो भी रहता है। तो जो जिंगा रहता है जब ये सब सुन रहा होता है तब तक वहाँ पे गाइस एक हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है और उसमें कोई और नहीं रहता, उसमें कह सकते हो कि मासा मुने कढ़ोया रहता है। अब देखो जो लोग मासा मुने को जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली उसमें मासा मुने और किंग रहते हैं। तो वो लोग आते हैं बेसिकली जिंगा के पास और मासा मुने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि मुझे नई बैटल्स लड़ने का मौका मिलेगा। तो जिंगा उसको चुप करा देता है कि यहाँ पे मैटर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है, तो तुम कुछ ना बोलो ज़्यादा अच्छा है। तो मासा मुने बस इतना पूछता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो बस जिंगा इतना बोलता है कि तुम अभी कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो सब चीज़ें जानने के लिए, तो तुम बस अभी चुप रहो और इतना तुम समझ लो कि यहाँ पे जो भी चीज़ हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो हाँ यार, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस यार, इस एपिसोड से मुझे रियली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करना, मतलब जितना शेयर करोगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा। और यार 2-3 एपिसोड में मतलब कह सकते हो उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह का मैं चाहता हूँ। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को शेयर करा करो, ऐसा वीडियो बनाने में मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा एपिसोड, तो कमेंट सेक्शन ओपन है यार, जाके आप बताओ आपको क्या लगा इस एपिसोड के बारे में। और वीडियो को लाइक, क्योंकि आज की वीडियो को लाइक है मैं 1.3K।
जानता हूँ ज़्यादा है यार, लेकिन एक्सपेक्टेशन भी मेरी ज़्यादा है। हमेशा बन के बोलूँगा तो अच्छी बात नहीं ना, थोड़ा बहुत हम लोग को भी आगे बढ़ना है। तो हाँ यार, 1.3 के लाइक्स का एम है, और अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, कुछ भी फेंके मारो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। सो हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।